हेलो गाइस, फिर से हम वापस आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पहले भी बता दिया है स्पर्म मेटोजेनेसिस प्रोसेस, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देख लो। एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पाथवे और किस तरह से सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप बताइए कि स्पर्म का पाथवे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो। तो पहला है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, हम जानते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होता है, लॉट्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल फिर आगे चल के रेड टेस्टिस में जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर होता है वास डिफरेंसिया, ईपी डायडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटर, और उसके बाद स्पर्म होता है आउट फ्रॉम द बॉडी। और ये जो स्पर्म आउट होता है फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद ये स्पर्म फुल्ली वो अपना फ्लूइड के साथ वापस निकलता है, जिसको सीमेन के नाम से जानते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मान लीजिए एक टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लॉट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इसका नंबर होता है 200 से 250 इच टेस्टिस। हमारे पास दो टेस्टिस होता है, यानी एक पेयर टेस्टिस होता है, और इस एक पेयर टेस्टिस में अगर एक टेस्टिस की बात करें तो उसके अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल है 200 से 250, यानी दोनों टेस्टिस में 400 से 500। अगर इस टेस्टिकुलर लोब्यूल को मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को निकाला, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में देखें कि इसके अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि स्पर्म सिंथेसिस का मेन साइट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 नंबर में होता है। और उसके बाद अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को निकाल के देखें तो इसके ऊपर में जो होता है एक सेल होता है, जिसको बोलते हैं लीडिकसेल, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसके अंदर में बड़ा बड़ा सेल होता है जिसको बोलते हैं सर्टोलाई सेल, जिसको नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा नर्स सेल कहाँ प्रेजेंट होता है या सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। पूछेगा लीडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये सरफेस पे होता है। और इसके बाद स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होगा वो सेल आपको अंदर में पाया जाएगा, जो स्मॉल नंबर में रहता है, स्मॉल साइज में होता है, और यही स्पर्मेटोजेनिक सेल आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन तभी होगा जब लीडिंग सेल और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर को रिलीज करके दे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जब हमारे ब्रेन से LH हार्मोन आता है तो लीडिक सेल पे बाइंड करता है, और लीडिक सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। और सर्टोलाई सेल पे जब FSH आता है, सर्टोलाई सेल पे बाइंड करता है, तो FSH ये रिलीज सर्टोलाई सेल रिलीज करेगा ABP, इसका नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और टेस्टोस्टेरोन है एंड्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरोन और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दोनों बाइंड करेगा। अब बाइंड करके ये छोटा वाले सेल पे जाएगा और इसको बोलेगा भाई आप स्पर्मेटोजेनेसिस करिए और स्पर्म का फॉर्मेशन करिए। तो अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से जो स्पर्म बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि टेस्टिस के अंदर है, तो हम इसके अंदर में जितने सारे सेल्स है कुछ इसके बारे में फंक्शन पढ़ लें। तो यहाँ पे आपको तीन तरह का सेल देखने को मिलेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, एक लीडिक सेल, सर्टोलाई सेल और स्पर्मेटोजेनिक सेल। फंक्शन अगर बात करें लीडिक सेल का, तो लीडिक सेल को इंडोक्राइन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और लीडिक सेल सिंथेसिस करता है टेस्टोस्टेरोन का, और यही टेस्टोस्टेरोन आगे चल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मेल में आ जाता है आपको बियर्ड, ये सब दाढ़ी, ये वो जो भी है एक्स्ट्रा ग्रोथ, हेयर ग्रोथ आ जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। और सर्टोलाइट सेल को नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सबस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये सिंथेसिस करता है एक प्रोटीन जो मैंने पहले भी बता दिया, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है MIH। और एक आपको और बताऊंगा आगे में कि सर्टोलाइट सेल ऑल्सो रिलीज इनहिबिन हार्मोन, विच हार्मोन? इनहिबिन। और इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये FSH के सिक्रीशन को रोकता है।
क्या करता है इनहिबिन एफएसएच के सिक्रीशन को रोकता है, और एक और इनहिबिटरी हार्मोन है जिसको म्यूलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं, और हम जानते हैं म्यूलेरियन डक्ट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, म्यूलेरियन डक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब का डक्ट, म्यूलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज्ड बाय सर्टोलाई सेल। अगर मान लीजिए मां की यूट्रस में मेल है तो सर्टोलाई सेल एमआईएच को रिलीज करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनने से वो रोकेगा ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डोमिनेंट होकर बाहर आए, क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और ये जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास एक जीन होता है जिसको बोलते हैं एस आर वाई जीन, और यही एस आर वाई जीन एक फैक्टर बनाता है जिसको बोलते हैं टीडीएफ फैक्टर, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई एंड टीडीएफ फैक्टर यानी टेस्टिकुलर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो आगे चल के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करता है। यानी सर्टोलाई सेल मेल को बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह रिलीज करता है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो कि मुलेरियन डक्ट को बनने से रोकता है ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो सके। थैंक यू गाइस।